जिले का ये रामनगर ब्लॉक का बिलरी गांव है, जो रामनगर ब्लॉक से 18 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ के लिए रास्ता भी नहीं है, लोगों को पानी में हेल के जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना खड़ंजा, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। यहाँ ना रोड आया, अब भला लाइट आवे चाहे नहीं, रोड तो बन जाए नहीं, लाइट हो जाए कि यहाँ कदयाल मर जाए, चाहे मेहरिया मर जाए, चाहे मनसाओ मर जाए, यहाँ रात दी रात कौन सुनाई नहीं है। प्रधान से तो कहा तो कही अरे का कारक है, मोए बस के नहीं है। कितने साल हो गए इस तरह आते जाते? अरे आज 18-20 साल हो गए। 18-20 सालों में आपने कहाँ कहाँ अपनी समस्या बताई है? हम अपनी समस्या बताई कहाँ कहाँ की, राम सूरत डीएम जो जवाने में रहे वो आए हैं ये निरीक्षण में, फिर वो बदल के भी चाहे, फिर रंजन कुहार डीएम आए, फिर वो बदल गए, फिर कोई ना आवा नहीं। मेरा पहले एक्सीडेंट हो गया था, मैं दवा कराने से जा रहा था हॉस्पिटल, पुल में गिरने की वजह से मेरे को फिर से वही चोट दोबारा लगी। जब से हम पैदा हुए तब से रोड लाइट की व्यवस्था तभी से नहीं है, पिछले वक्त कहाँ से जब पहले बनी हुई नहीं है तो तब से। आपकी उम्र क्या है? मेरी है उम्र 19 साल। बेनरी संपर्क मैप से पहली बार तो जुड़ा नहीं है, इसकी 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 200 है, ठीक है। तो चूंकि गवर्नमेंट के पॉलिसी में 200 जो आबादी के गांव हैं अभी पॉलिसी में आए नहीं है, अगली स्कीम में 0 से 250 लिए जाएंगे जोड़ने के लिए, तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अभी मेन राजस्व गांव रामपुर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सर कब तक वहाँ का सर्वे होगा या कब तक लिए जाएगा? अगले साल तक ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पॉलिसी जारी कर दी जाएगी, तो उसमें हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। हर गांव में शौचालय हर चीज की व्यवस्था हुई, लेकिन हमारे गांव में एक भी शौचालय नहीं। तो आप भी बाहर ही जाती हैं शौच के लिए? हाँ, सब लोग यहाँ के बिलरी के तो सभी लोग बाहर जाते हैं, कहाँ अंदर यहाँ बना है कि हमारे इस खेत में पानी बस गए ना, तो बस कीचड़ में जाना पड़ता है दूर। उनका कहना यह है कि हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन विकास हो रहा है, संपर्क मार्ग में काम लगा है, बिजली के खंभे गिर चुके हैं, आधी दूर तक बिजली के खंभे गड़ भी चुके हैं, बाकी खंभे पड़े हुए हैं चौमास के वजह से, जैसे भी पानी निकला खंभे गड़ना शुरू हो जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय से कई बार हमने समस्याएं मांगी और समस्याएं मांगने के बाद जिलाधिकारी जी का केवल सुनना होता है, आश्वासन होता है, आश्वासन के सिवा बाकी आज तक ना ही कोई विकास हुआ है और ना मुझे उम्मीद दिखती है। मैं बता दूं यहाँ तक गांव में जो आज मूल समस्याएं हैं रोड और लाइट, मेन इम्पॉर्टेंट वहाँ तो ना रोड है ना लाइट है। आवाज 12 वर्षों से 2005 से मिट्टी खनन के अंतराल जो है, यानी मिट्टी खोदी गई किसके अंतर्गत, नरेगा के अंतर्गत, और उस नरेगा के तहत 12 वर्ष के अंतराल में 1.5 किलोमीटर का संपर्क मार्ग आज तक पूरा नहीं है, ठीक है। वहाँ बिजली तो सब जाने ही चाहिए, और रोड की बात है तो रोड ही अपना बिजली कराएंगे, इसको वहाँ तक खंजा कराएंगे, और ये चकडैम वाली बात है तो मैं 5-7 बार निकला तो क्या मामला था और क्या पैसे साले खाते गए, उसकी भी जांच होगी, कार्रवाई होगी। जी जी सर, ये तो बहुत जरूरी होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है वो तो बहुत बड़ी समस्या है, इस पार से उस पार तो डूब के यहाँ। अगर नहीं है तो भी आपकी बार इसमें अगर पैसा आता है तो ये आपका ले लिया जाएगा, एकदम बनेगा, थोड़ा लाभ होगा तो पानी सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हो जाएगी, और दूसरा ये कि मतलब आवागमन आप लोगों का चालू हो गया।